जय हिंद प्यारे साथियों साथियों, न्यूज बहुत अच्छी है आप सभी के लिए, बहुत अच्छी है। जैसा कि आप सभी के पास जो भी प्रूफ थे, अब वक्त आ गया है उनको लीगल तरीके से सरकार तक पहुंचाया जाए। इन लीगल तरीके से कोई भी कदम अगर आप उठाते हैं तो उसमें नुकसान ही नुकसान होता है, फायदा किसी का नहीं होता। सबसे पहले तो आप इस नोटिस को देख लीजिए, इस नोटिस में ऐसा क्या है। देखो, ये जो नोटिस है ना, भर्ती बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल साइट पर, जो उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल साइट होती है ना, उसमें ये नोटिस दिया है, कोई भी फेक नहीं है। आप उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल साइट पर भी इस नोटिस को देख सकते हैं। एक्चुअली में ये नोटिस क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा जान लीजिए और आपके पास आज और कल का वक्त है, ठीक है। सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करूंगी। जैसा कि साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,000 कांस्टेबल रिलेटेड ये नोटिस है। देखो, इस नोटिस में दिया गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना। अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी ये नोटिस कब लॉन्च हुआ था। वैसे तो आपने देख लिया होगा, आज ही का नोटिस है, आज ऑफिशियल साइट पे आया था। देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की दिनांक 17 फरवरी एवं 18 फरवरी को आयोजित लिखित परीक्षा के संबंध में, जो दो दिन परीक्षा हुई थी 17 तारीख को और 18 तारीख को, उसकी बात हो रही है इसमें, कि जो भी लिखित परीक्षा हुई थी उसके संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं प्रिंट मीडिया में कुछ प्रश्न पत्रों के संबंध में सूचनाएं वायरल होने की खबरें प्रकाशित हो रही हैं। जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे, है ना, और कुछ टीचर्स भी। मैं देखो, कोई भी चीज है उसको गलत नहीं कहूंगी, क्योंकि बच्चों ने मेरे पास भी भेजे थे तो। लेकिन ये जो सच्चाई है, जांच है, वो हमारा भर्ती बोर्ड करेगा। मैंने आपसे हमेशा ही बोला था, जब भी कभी वीडियो बनाई है, कि आपके साथ कभी गलत नहीं होगा, जैसी भी आपकी जो भी कंडीशन होगी। और आज आप देख भी पा रहे हैं कि भर्ती बोर्ड ने ऑफिशियल साइट पर एक नोटिस भेज दिया है, ठीक है। तो इसमें यही बोला है कि जो भी वायरल हो रहा है, अब ऐसा नहीं कि आप बहुत जगह बोलते हैं ना, दंगे कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जो चीजें बहुत ही शांति से हो सकती हैं, उनके लिए हमको लड़ना थोड़ी ना है, हमको लड़ना नहीं है। कैसे किस चीज का सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन खुद आपको मिल रहा है, तो आप उस सॉल्यूशन को अपनाने की कोशिश करें, उसके ऊपर काम करने की कोशिश करें, ठीक है, और समाधान होगा। सच कभी हारता नहीं है, इस चीज को हमेशा याद रखना, ठीक। तो यहां बोला गया है, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उनको आप भर्ती बोर्ड तक पहुंचा सकते हैं। थोड़ा आप सुन लीजिए, तथा इस क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न जनपदों में प्रत्यावेदन प्रस्तुत किए जा रहे हैं, ठीक है। मतलब बच्चों के द्वारा बहुत जिलों में जो भी प्रत्यावेदन है, उनके पास जो भी प्रूफ्स है, वो अपने जनपदों में अपने विधायकों को दे रहे हैं, ऐसे करके कुछ बोला गया है। सर्वसाधारण एवं अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है, इसमें बात हो रही है अभ्यर्थियों की जिन्होंने पेपर दिया है, और ऐसे व्यक्ति भी जिनके पास प्रूफ्स हैं, टीचर्स हो सकते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको हम हितेशी बोलते हैं, अगर वो हेल्प करना चाह रहे हैं, वो अपने प्रूफ्स भर्ती बोर्ड तक पहुंचाने जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या बोला है कि इस समय में यदि कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना है तो सुसंगत प्रमाणों एवं साक्ष्यों के साथ, मतलब जो भी प्रमाण आपके पास हैं, सुसंगत मतलब सही प्रमाण होने चाहिए उनके साथ, जिनमें नाम होना चाहिए आपका, अगर आप भर्ती बोर्ड तक अपने प्रूफ्स पहुंचा रहे हैं तो आपका नाम होना चाहिए, आपका पता होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए और आधार नंबर होना चाहिए। नाम, पता, मोबाइल नंबर और आधार नंबर, ठीक है। और अब आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे भर्ती बोर्ड तक पहुंचाएं, तो देखो, भर्ती बोर्ड की ईमेल आईडी ये है, इसके द्वारा आप कब तक पहुंचा सकते हैं, आप इस ईमेल पर मेल कर दीजिए जो भी आपके पास प्रूफ्स हैं, 23
फरवरी 2024, मतलब कि एक तो आज का दिन हो गया, 22 तारीख हो गई और 23 तारीख, और वो भी समय दिया गया है, समय दिया गया है शाम को 6 बजे तक। शाम को 6 बजे तक आप जो भी प्रूफ्स वगैरह पहुंचाना चाह रहे हैं इस मेल पर मेल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो आप थोड़ा और सुन लीजिए। ताकि साक्ष्यों का अवलोकन परीक्षण करने के उपरांत निर्णय लेते हुए अभ्यर्थियों के हित में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके। भर्ती बोर्ड ने खुद बोल दिया है कि जो भी जैसी भी कंडीशन होगी, अगर हमको प्रूफ्स आपके एकदम सही लगते हैं तो वो जरूर री एग्जाम कराएंगे, ठीक है। आई होप कि अब आपके मन में कोई भी उल्टा सीधा ख्याल नहीं आ रहा होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कह रहे हैं कि दीदी हमारे पास 18 की सेकंड शिफ्ट और 17 की सेकंड शिफ्ट के प्रूफ्स हैं। देखो, अच्छी बात है, प्रूफ्स है, आप पहुंचाइए। आपका नाम, पता, आधार नंबर और मोबाइल नंबर एकदम सही होना चाहिए, आप इस मेल पर मेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर 17 की फर्स्ट शिफ्ट के या 18 की फर्स्ट शिफ्ट के भी अगर आपके पास प्रूफ्स हो तो आप प्लीज इनको भी पहुंचाना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मतलब प्रूफ्स तो देख रहे हैं, लेकिन एक पीडीएफ मुझे भेजी थी एक बच्चे ने, उसमें क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा था, उसमें समय नहीं था। भाई, समय होना चाहिए और दिनांक होना चाहिए, किस तारीख को किस समय आपका वो जो लेटर है कब वायरल हुआ, ये सारी कंडीशन आपको भर्ती बोर्ड तक देनी है, ठीक है। समझ गए ना? आई होप कि आप एक एक कंडीशन को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। जय हिंद साथियों।